वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या कमियां है, आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के जो मोस्टली लिमिटेशंस हैं, मेन लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। अब इसमें जिसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर है यानी कि इसका क्रिएशन है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे कमी है। किस तरीके से कमी है? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि एग्रीगेट इकोनॉमिक की बात करी गई है। एग्रीगेट इकोनॉमी यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो टोटल इकोनॉमी को कंसिडर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टोटल इकोनॉमिक एनालिसिस को कंसीडर करता है, और इसके अंदर जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक्चुअली में ये ट्रू नहीं माना जाता है। एग्रीगेट एक्चुअली में ट्रू नहीं कंसीडर करा जाता। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का टोटल की बात करते हैं। एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर इज़ अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। वॉट इज़ ट्रू ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम देखें तो इंडिविजुअल पे जो सही है क्या वो ही एग्रीगेट में सही माना जाएगा? तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे उसके अंदर कुछ कमी मानी गई है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का जो कंपोजिशन है उसके अंदर कुछ पिटफॉल है या फिर उसके अंदर फ्लॉ है जो कि उसकी कमी को दर्शाता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अलग शो करता है एज अ इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि सेविंग प्राइवेट के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर हम सेविंग प्राइवेटली बात की जाए, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए तो सेविंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर पब्लिकली सेविंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डिप्रेशन मार्केट में आएगा। मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अगर पैसा बचाना ज़्यादा अच्छा समझेंगे और उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो एग्रीगेट के अंदर यहाँ पे डिप्रेशन यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, इस कारण से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इंडिविजुअल डिपॉजिटर अपने बैंक से विड्रॉ करेगा, इंडिविजुअल डिपॉजिटर खर्च नहीं करेगा, इससे बैंकिंग सिस्टम भी अफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं होगी तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा। तो इंडिविजुअली तो सेविंग करना सही है, लेकिन अगर एग्रीगेट की बात की जाए तो सेविंग इंक्रीज होना एक पिटफॉल को दर्शाता है, एक कमी को दर्शाता है और मैक्रो इकोनॉमिक में सही नहीं माना गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक की पहली लिमिटेशन क्या है? पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर कमी आना, क्रिएशन में कमी आना, जो रचना है वो ख़राब होना, कि मैक्रो इकोनॉमिक में एग्रीगेट माना जाता है लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिविजुअल से डिफरेंट है, ये इंडिविजुअल लेवल से ये डिफरेंट देखा गया है। अगर हम आगे की बात करें सेकंड पॉइंट की, नो टू रिगार्ड द एग्रीगेट एज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा माना गया, मिक्स है एग्रीगेट टोटल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही माना जाता है, लेकिन मेन यहाँ पे क्या डिफेक्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस विदाउट केयरिंग अबाउट देयर इंटरनल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट को जब हम एनालाइज करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इंटरनल कंपोजिशन को हम नहीं देख पाते प्रॉपरली, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल को एक ही मानते हैं, और अगर इंटरनल में कुछ डिफेक्ट होगा तो एग्रीगेट में पता नहीं चलेगा। द मेन डिफेक्ट इन मैक्रो एनालिसिस इज दैट इट रिगार्ड एग्रीगेट एज होमोजीनियस। होमोजीनियस मानने मेन डिफेक्ट है विदाउट केयरिंग अबाउट देयर इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन को केयर करे बिना एंड स्ट्रक्चर को केयर करे बिना। द एवरेज वेज इन अ कंट्री इज द सम टोटल ऑफ वेजेस इन ऑल ऑक्यूपेशन, वेजेस ऑफ क्लर्क्स, टाइपिस्ट, टीचर, नर्स एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो एवरेज वेज किसकी मानी जाती है? जैसे पूरी कंट्री की इनकम है वो सब पर्सन की इनकम को टोटल माना जाता है, तो ये एग्रीगेट में आ गया। उस टोटल इनकम का डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन तो एवरेज आ जाएगा। तो जब हम एवरेज इनकम निकालते तो जितने भी लोग काम करते हैं, कोई भी टाइपिस्ट हो गया, कोई टीचर्स हो गए, नर्स एक्सेट्रा, अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग उनको इनकम मिलती है और उनके सब इनकम का टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड दे करके हम एग्रीगेट एवरेज निकाल लेते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो हमें इंडिविजुअली पता नहीं चल पाएगा कि किसकी इनकम बढ़ रही है और किसकी इनकम कम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नर्स की इनकम बढ़ गई और एक टाइपिस्ट की इनकम कम हो गई, नर्स की इनकम बढ़ गई, टाइपिस्ट की इनकम कम हो गई, तो इसका पता एवरेज में पता नहीं चल पाएगा, एवरेज सेम रहेगा क्योंकि एक इंक्रीज़ हुआ दूसरा डिक्रीज़ हुआ तो एवरेज अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो नर्स की इनकम बढ़ गई और टाइपिस्ट की कम हो गई, तो टाइपिस्ट का नुकसान हो गया यहाँ पे और नर्स की इनकम बढ़ने का नर्स का फ़ायदा हो गया, तो वो चीज़ इंडिविजुअली यहाँ पे अफेक्ट करेगी लेकिन एग्रीगेट में पता नहीं चलेगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक पिटफॉल है, एक कमी है इसकी कि एवरेज एग्रीगेट में ये पता नहीं चलता कि किस इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है और किस इंडिविजुअल का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इसका होमोजीनस रहना ये एक इसकी कमी मानी गई है। सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में हमने बात करा कि एग्रीगेट को होमोजीनस मानना ये एक मैक्रो इकोनॉमिक की कमी है। आगे बात की जाए, एग्रीगेट्स वेरिएबल मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट नेसेसरीली। एग्रीगेट वेरिएबल इकोनॉमिक सिस्टम में ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ रही है और उससे नेशनल इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जैसे रिच एक सेक्टर मान लो, रिच पर्सन का सेक्टर है, उनकी इनकम बढ़ने से नेशनल इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए पुअर पीपल की इनकम कम हो रही है और नेशनल इनकम शो हो रही है बढ़ी हुई, तो वेरिएबल का कुछ पता नहीं चल पाएगा। पुअर पीपल का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है वो कुछ पता नहीं चल पाएगा। ये एक एग्रीगेट की सबसे बड़ी कमी मानी गई है। द एग्रीगेट वेरिएबल्स इन विच फॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम में नॉट बी मच सिग्निफिकेंस। एग्रीगेट वेरिएबल जो चेंजेस आते हैं एग्रीगेट में वो इंपॉर्टेंट नहीं माना गया। क्यों? फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल देखते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम। जितने पर्सन है उनकी टोटल इनकम नेशनल इनकम मानी जाती है। ए राइज इन नेशनल इनकम डज नॉट मीन डेट इंडिविजुअल इनकम हैव राइजन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। थर्ड पॉइंट कि अगर इसमें नेशनल इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल इनकम बढ़ रही है, तो ये कमी है। एग्रीगेट वेरिएबल अगर हो रहा है तो ये पता नहीं चल पाएगा कि इंडिविजुअल का, हम एक्चुअली नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल का इनकम तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है और इनकम बढ़ रहा है सिर्फ रिच लोगों का, अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो उसका मतलब नेशनल इनकम में जो इनकम बढ़ रहा है वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? रिच पीपल की वजह से आ रहा है। तो ये पॉइंट हम सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्रीगेट के अंदर इंडिविजुअल में रिच पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और पुअर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कम है। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है कि एग्रीगेट वेरिएबल में जब एग्रीगेट लेवल पे बात की जाती है, टोटल लेवल पे बात की जाती है, तो अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज। स्टैटिस्टिकल यानी कि डेटा से रिलेटेड, डेटा के मेजरमेंट से रिलेटेड, और अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक टोटल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी और कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है। यानी स्टैटिस्टिकल तरीके से अगर देखा जाए तो भी यहाँ डिफ़िकल्टी है, और कंसेप्चुअल तरीके से देखा जाए तो भी यहाँ डिफ़िकल्टी। दिस प्रॉब्लम रिलेट टू एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इफ इंडिविजुअल यूनिट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एग्रीगेशन डज नॉट प्रेजेंट मच डिफिकल्टी। बट इफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल रिलेट्स टू डिस सिमिलर इंडिविजुअल यूनिट्स, देयर एग्रीगेशन इन टू वन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मे बी रॉन्ग एंड डेंजरस। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे यह बात की गई है स्टैटिस्टिकल कंसेप्चुअल डिफिकल्टी की। अगर इसमें एग्रीगेशन में माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में भी चेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टी आएगी। तो स्टैटिस्टिकल जो पॉइंट है ये कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक का जब हम टोटल करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक के गलत होने से मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और यहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी उसको मेजर करने में। तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सही होना चाहिए, अगर वो सही होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अपने आप सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखी गई है किसके अंदर, कमी के रूप में देखी गई है कि स्टैटिस्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी
आती है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने बात करा मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन के बारे में, फोर मेन पॉइंट्स के बारे में बात करा, कंपोजिशन से रिलेटेड, एग्रीगेट एस होमोजीनियस से रिलेटेड, एग्रीगेट वेरिएबल से रिलेटेड, और लास्ट पॉइंट हमने बात करी स्टैटिस्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज़। और भी कुछ पॉइंट होते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, जैसे एग्रीगेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एग्रीगेट और माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि इंडिविजुअल सेम हो, तो ये कुछ अलग अदर लिमिटेशन भी इसके देखे गए हैं। आज के वीडियो में हमने बात करा लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।